जय माता जी की। मैं हूं आदित्य सिंह राजावत और आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। तो आज हम जो साफा सीखने वाले हैं वो है पीवर का साफा। बहुत से कमेंट आ रहे कि पीवर का साफा सिखाओ या कैसे बांधते हैं, कैसे टिकता है साफा। जैसे कि हम पहन लेते हैं साफे को, फिर अगर हम किसी और को पहनाना चाहते हो साफा तो वो बिगड़ जाता है साफा, तो उसको कैसे बांधा जाए, पीवर का साफा हो या कॉटन का साफा हो। आज मैं दोनों टाइप की आपको सिखाने वाला हूँ कि हम कैसे उसको सेट करें कि हमारा जो साफा है वो हम उसको बार बार यूज़ ले सके। क्योंकि कई बार होता है कि हमारा जो साफा है वो बहुत सुंदर बनता है और हम चाहते हैं कि उसको हम बहुत अच्छे से रखें, केयर से रखें कि हम उसको दोबारा पहन सकें। तो आज मैं आपको वो भी बताऊंगा। और जो साफा आज हम बांधने वाले हैं वो है पीवर का साफा, कुछ इस टाइप का साफा ही। दो रंग है इसमें, बंदेज कहते हैं इस साफे को। सबसे पहले हमें इस साफे को खोल लेना है। अब हमने साफे को खोल लिया है, अब साफे को बांधने के लिए हमें जो मेन चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले है कागज। कुछ इस टाइप की कटिंग आप कर सकते हैं कागज की, ऐसे ये कागज है, इस टाइप की आप इसमें कटिंग कर सकते हैं। ये हमारे साफे को टिकाने के काम आएगा। जो लोग पूछते हैं कि हमारा जो पीवर का साफा है वो टिकता नहीं है या फिर हमारा जो साफा है वो अच्छे से बनता नहीं है, क्योंकि जो पीवर का कपड़ा होता है बहुत हल्का होता है, तो अगर आप उसको सर पे बांधने की कोशिश भी करेंगे तो आपको कुछ तो ऐसा चाहिए रहेगा जिससे कि वो टिका रहे। तो वो हम उसके लिए ले रहे हैं ये ऐसा कागज। कागज को आप इस तरीके से फोल्ड करके भी रख सकते हैं, जैसे ये यूं था और हमने इसको यूं हाफ कर लिया इस टाइप से। अब हम शुरू करते हैं साफा बांधना। सबसे पहले हम इसमें हमारी जो पूंछ है वो छोड़ेंगे। जैसे हमारा साफा है तो पहले हम इसको यूं इकट्ठा कर लेना है बहुत ही प्यार से। सबसे पहले हम पूंछ छोड़ेंगे। पूंछ कहाँ तक, जो परफेक्ट साइज होती है पूंछ की वो होती है अपने घुटने तक। तो मतलब आपका जो घुटना है वो आपकी साफे की बेस्ट लेंथ रहेगी साफा ये जो हम छोड़ेंगे उसके लिए। शुरू के जो चार पट्टे हैं वो बिल्कुल रफली लेने, क्योंकि वो साफे का बेस होता है। तो हमें पहले पट्टे से ही कागज डालना है, थोड़ा सा साफा यूं करेंगे और इसमें करके साफे को ऐसे करेंगे कि जिससे हमारा जो पट्टा है उसमें ये कागज छुप जाए। और एक चीज का और ध्यान रखना है, कभी कभी हम अच्छे से कागज को नहीं छुपाते हैं तो हमारा जो कागज है वो इस तरफ से डर रहता है थोड़ा थोड़ा, इस वजह से हमें कागज को पहले अच्छे से ढकना है। अब मैं साफे को जो हाफ करके डालता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में, हाफ करके डालेंगे तो हमें साफे को ज्यादा समेटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा पट्टा है, शुरू में हम पट्टे नहीं बना रहे हैं,
इस वजह से कागज अंदर अच्छे से जा नहीं रहा है। पट्टा बनाएंगे तो कागज को अंदर डालने में अपन को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चौथा और आखिरी रफ पट्टा, ये देखिए हमें पट्टे को यहाँ से लेना है और इस तरफ क्रॉस करना है, हमारी जो लेफ्ट आई है उसके इस तरफ। अब हमें पट्टा बनाना है, थोड़ा सा आप इधर चिसका लेंगे जिससे कि हमारे को इधर जगह मिल जाए और पट्टे ऊपर चढ़ाने के लिए। ये हमने पट्टा लिया और अब इस पट्टे को जो हमारे यहाँ से क्रॉस हो रहा है साफा, जो सारे साफे हमारे यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं उसके ही ऊपर से हमें साफे को यूं लाना है और यूं समेटना है। देखिए हमारा जो अंगूठा है यहाँ रहेगा और जब ये साफा हमारा इस अंगूठे के ऊपर आ जाएगा तो हमारी ये उंगली और ये अंगूठा ऐसे जुड़ जाएगी। देखिए ये जुड़ गया और अब इसको जोड़ने के बाद जो ये उंगली है ये हमारे सपोर्ट करेगी इस साफे को घुमाने में। तो ये उंगली हमने यहाँ डाली है यहाँ इस तरफ ये, और अब इन दोनों को चिपका के साफे को यूँ घुमा ऐसे। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझको फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी बहुत से जो भी क्वेरीज होती बहुत से लोगों की वो वहाँ पे जाके सॉल्व करता हूँ। अब हम सीखते हैं कि पट्टा कैसे बनाना है। पट्टे के लिए साफे को पहले यूँ सीधा कर ले और फिर यूँ दोनों कोनों को एक दूसरे से यूँ मिला देना, फिर जो हमारा ये नीचे आ रहा है निकल के इसको भी वापस से यूं दोनों से मिला देना। अब अंदर हाथ डालना है जिससे कि हमारा साफा पीछे तक सीधा हो जाए। अब ऐसे कागज लेना है हमारे को और यहाँ पीछे लगा देना। अब पट्टे से इस पूरे कागज को छुपा देना है पूरा अच्छी तरीके। पीछे अब हमें हर बार एक ही प्रोसेस को करना है, दोनों कोनों को यूं मिलाना है, नीचे जो हमारा आ रहा है साफा उसको भी मिला देना। अब एक बार हम हाथ इधर पट्टे में डाल के इधर से सीधा कर लें जिससे कि जो हमारे अंदर कोई सल रह जाता है साफे में कभी कभी, क्योंकि हम यूं घुमाते हैं साफे को तो कभी कभी बीच में सल आ जाता है तो उसको हटाने के लिए हमको ऐसा करना पड़ता है। अब हम
इस साफे में कागज डालूंगी। के दो तरीके होते हैं, एक जो मैंने आपको पहले बताया और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। या तो आप एक बार और साफे को घुमा सकते हैं, और या तो आप अगर आपका साफा डार्क कलर का है तो आप उसको एक बार जो हम घुमाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। मैं एक बार आपको और बता देता हूँ इस वाले पट्टे में। साफे को टिकाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका ये भी होता है कि हमारा जो साफा ज्यादातर इस साइड से लूज होता है, लच्छा कह सकते हैं या तानी कह सकते हैं, तो हम इधर यूं हाथ डाल के उसको इधर से निकाल के और गिठान लगा सकते हैं ऊपर, जिससे कि हमारा ये टाइट रहेगा और हमारा साफा खुलेगा नहीं। और दूसरा तरीका ये है कि साफे को बॉल में रख सकते हैं, बॉल में नहीं तो हम साफे को कोई भी एक ऐसा कैप हो या कुछ ऐसा ठोस सी चीज़ हो उसमें पहना के रख सकते हैं, जिससे कि हमारा साफा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। दूसरा साफे खुलने का रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका जो साफा है उस पर या तो कलफ कम है या फिर वो थोड़ा टाइम हो चुका है, उस साफे को थोड़ा सा पुराना है, आपने उसको ज़्यादा यूज कर रखा हो, तो वो इस वजह से भी हो सकता है। अगर आपका कॉटन का साफा है तो ये तो पीवर के साफे में तो आपको कागज तो डालना ही पड़ेगा, कागज नहीं तो आप इसमें एक साफा जो कॉटन का होता है, जैसे मेरा ये जो साफा है वो डार्क कलर का है, तो मैं इसी कलर के मैचिंग का जैसे कि ये जो साफा है वो रानी रंग का है, तो मैं इसमें लाल रंग का एक कॉटन का साफा जो कि आपके पास ऐसे ही पड़ा हो जिसको आप यूज़ ना करते हो उसको आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि जो कॉटन का साफा है वो इसमें थोड़ी सी कड़कपन ला देगा जो आपको बांधने में आसानी होगी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पट्टे में जो दो टाइप के पट्टे हैं वो क्या, उसको यूँ दोनों कोनों से मिला दिया, फिर उसके बाद ये तो हमें यूं एको बार मिलाना ही है। अब अगर आपका डार्क कलर का साफा है, मैं पीवर साफे की बात कर रहा हूँ, कॉटन का साफे में तो आप डाल सकते हैं क्योंकि उसमें दिखता नहीं है, अगर आपका डार्क कलर का साफा है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, और अगर थोड़ा सा लाइट है या आपको लग रहा है कि इसमें कागज दिख सकता है तो आप इसको एक बार और फोल्ड करें और यहाँ पर डाल सकते हैं। अभी मैं इसको इस तरफ डाल दूँ, इससे क्या होगा कि हमारे को पट्टा बनाने की थोड़ी और स्पेस मिल जाएगी, मतलब कि हम थोड़ा पट्टा बड़ा भी ले सकते हैं हमारी मर्जी से, या हम थोड़ा सा छोटा भी ले सकते हैं। उसमें यह होता है कि इसका हाफ आप ले सकते हैं और फिर उसमें आपको साफा में कागज को भी छुपाना होता है, ऐसे हमने करा, और बाकी का जो साफा है वो आप इसमें इकट्ठा कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो कागज है वो छुप जाएगा। ध्यान रखें कि सल ना आए साफे में। जब ये टाइट हम इसको दबा लें तो हमें थोड़ा सा इसको शेप देनी है, जिससे कि हमारी सरफेस सेट हो जाए, और उसके बाद हमें इस साफे को यूं घुमा देना। अब ये हमारा लास्ट पट्टा है,
अंदर से सारे जूस आने वो हटा देना। पीछे से हल्का सा नीचे करेंगे। अब ये जो हमारा साफा है ये जरा सा इसको हम पीछे ले जाते हैं और ये जो हमारी पूंछ है इसको भी पीछे ले जाके हमारे तुर्रे को यूं घुमा देंगे दो। हमारा तुर्रा है इसको पीछे से दबाते हुए आएंगे। से कोई सा भी ढीला जो पट्टा है उसको पकड़ेंगे और सर धक देंगे।